कहाँ जाऊंगा अभी। नहीं तो अभी किस 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 पे काम चल रहा है आपका? देखा दोनों प्रोजेक्ट चल रहा है सर, इलेक्शन पे और बाकी अखंड भारत, और दूसरा बाकी तो इलेक्शन का है ना सारे काम। ओके, तो इट इज ए बेसिकली स्पॉन्सर्ड वर्क जो बीजेपी आपको पेमेंट करती होगी इसका? नहीं, पेमेंट मुझे कोई नहीं करता है, पेमेंट तो जो मेरा रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है सारी। मतलब आपकी रिक्वायरमेंट का मतलब है कि जो क्रिएशन में आपको पैसा लगता है उतना पैसा तो आप जी, दे जी, देते हैं? जी जी जी, वो सारा पूरा हो जाता है सारा। नहीं तो कोई ना कोई तो देता ही होगा ना? हाँ वो तो देते ही है ना, कंपनी देती है, स्पॉन्सर्स होते हैं वो देते हैं। नहीं तो हमारे साथ में हमारे साथ में जुड़े हुए लोग हैं जो एज ए क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स होते हैं, सब उनका आप है, आपका प्रोजेक्ट है ले लीजिए क्राइम फ्री भारत। अगर क्राइम फ्री भारत को हमें करना है पूरा, तो क्राइम फ्री भारत उसको स्पॉन्सर करता है ना, तो फिर वो हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं सारा। नहीं तो जो इतना सारा आप काम करते हैं इसकी कुछ एनर्जी आपको क्राइम फ्री भारत पे अपने अपने संसाधनों से लगाएं तो क्या बुराई है, या इसके लिए संसाधन या स्पॉन्सर को आप खोजें तो क्या दिक्कत है? नहीं, वो खोजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा था मैथिली जी कि मैं आप और आपसे सारी बात डिस्कस करनी है। मेरा कोई विचार है इस चीज को, वो मेरा पर्सनल इंडिविजुअल विचार है, वो और आपका विचार पूछ करेंगे हम लोग साथ में, और अगर आपको लगेगा कि हाँ हम दोनों आगे बढ़ सकते हैं इस चीज को लेकर। नहीं लेकिन उसमें आपका वो छोटी सी सोच नहीं होना चाहिए ना कि साहब कोई हमको धन दे। आपने कैसे डिसाइड कर लिया, आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि मेरी सोच छोटी होगी? नहीं लेकिन आप तो जो है ना, आपको कोई जो पैसा देगा उसके लिए आप पैदा करेंगे, पैसे बिना कम नहीं होता। चलिए मैं अपना जो है ना पहले से किया है कमेंट, आप भी पैसे की बात करते हैं ना कि लोगों को रिच बनाने की, आपका सीधी है कि जो आप लिख रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो पोस्ट भेज रहे हैं उसमें ये बता रहे हैं कि मैं सबसे नीचे के नीचे आदमी को भी करोड़पति बना दूंगा। वेरी ट्रू, और जितनी भी नेगेटिविटी है उसको विलुप्त कर दूंगा। सर मैं तो सर बहुत छोटा इंसान हूँ, मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ सर, ठीक है, मैं तो आप ही के शब्द रिपीट कर रहा हूँ सर। आप ही कह रहे हैं कि आप एक एक आदमी को करोड़पति बना देंगे भारत के। वेरी ट्रू है ना, तो फिर कैसे वो कैसे बना देंगे, बिना पैसे के बना देंगे, यानी आप उनके लिए वो रिसोर्स पैदा कर देंगे कि वो करोड़पति बन सके, ठीक है ना? वेरी 200%। हाँ तो फिर वही, तो मैंने अगर मैंने ये कहा कि सर पैसे बिना कुछ नहीं होता तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है कि पैसा और दोनों चीजों में एक साइकिल है, यहाँ काम पहले करना पड़ेगा। मैथिली जी मैं इस चीज में है ना, जैसे आपका एक अनुभव है ना एडमिनिस्ट्रेशन का, आपका एक अनुभव अलग है ना, उस अनुभव को तो मैं बिल्कुल दंडवत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, ठीक है। वैसे मेरा एक कुछ अनुभव है संगठन को चलाने का। एक संगठन ग्राउंड लेवल पे कैसे चलता है सर, ठीक है ना, किस तरह लोगों को जोड़ा जाता है, किस तरह एक बहुत अच्छे विचार को राइट वे से रखना चाहिए होता है। अगर अच्छा विचार गलत वे से रख दिया गया तो बहुत हानि पहुंचती है उस विचार को भी, बहुत बड़ा नुकसान होता है सर। आप बिल्कुल ठीक है ना, आप बिल्कुल ठीक। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है सर कि मैंने आपसे पहले भी कहा, और बीच में मैंने आपको 3-4 महीने पहले की बात है, बहुत अर्जेंट काम था इसलिए मैंने आपको फोन किया था। कुछ बहुत ही रिस्पेक्टेबल व्यक्ति ऑनलाइन थे मेरे साथ में, ओके, और मुझे आपको कॉन्फ्रेंस पे लेना था उनके साथ, ओके, तो आपने फोन उठाया ही नहीं मेरा। 3-4 बार मैंने ट्राई किया बट आपने फिर फोन नहीं उठाया मेरा। हो सकता है फोन कहीं पड़ा हुआ हो या समथिंग, पता नहीं सर। फिर आपका कोई रिप्लाई कॉल भी नहीं आया मुझे उसके बाद में, तो हो सकता आदमी आदमी देख के रिप्लाई करे ना बाद में, मालूम नहीं कुछ कहीं स्लिप हुआ होगा। हाँ तो स्लिप हो गया होगा, कोई चिंता नहीं उसकी। अभी चीज ये है कि मुझे वो बहुत इम्पोर्टेंट बात आपसे करनी थी, मैं आपसे वो सब बात करूंगा, मैं प्लानिंग में हूँ, ये मंथ एंड तक में मेरा ये सारा यहाँ का क्लियर हो जाएगा, जो भी मेरे मूवमेंट है यहाँ के बॉम्बे के महाराष्ट्र के और बिटवीन महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है, और फिर मैं निकल पड़ूंगा सर आगे। मैं
पूरी कोशिश में हूँ कि कैसे भी करके एक बार आपसे आकर मिलना है मुझे, क्योंकि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मैंने ही मेरे आपको कॉन्टेक्ट किया। मेरा ये कहना है कि हम जो है फेस टू फेस मिलने की बजाय हम अभी जब फेस टू फेस मिलने का मौका मिले तब मिल लें। सर वो सर कुछ बातें है ना सर, क्या होता है कुछ बातें हम दोनों को करनी है बैठ के। मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैं उन सब बातों से परहेज करता हूं जो हम पब्लिकली नहीं कह सकते। नहीं सर, कई बातें हैं जो नहीं कह सकते पब्लिकली सर। बट जैसे नहीं पब्लिक सर 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 क्या है सर, देखिए आप एक आदमी को बोलेंगे, जैसे स्वामी विवेकानंद को कहा गया कि मूर्तियां तोड़ दो, तो स्वामी विवेकानंद ने क्या जवाब दिया कि आप ऐसे किसी को नहीं कह सकते। जब तक वो आदमी उस लेवल पे नहीं पहुंच जाता है, ठीक है, जहां वो इसका समझ ना सके चीज को, नहीं तो उस लेवल पे लाना होगा उनको समाज को, है ना सर। फिर बाद में उस समाज के साथ में अलग अलग चीज के साथ में अलग अलग हमें चीजें रखनी है। जो बात करना जरूरी है उस स्टेज पे वो बात की जाए और पब्लिकली की जाए। यदि आप नहीं सर नहीं होता ना सर, जस्ट यदि जो चीज आपको लगती है कि अभी स्टेज इज नॉट राइट, हम उस पर अपनी एनर्जी ही क्यों लगाएं? नहीं 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 सर, ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता सर। हमारा प्लानिंग आगे के 5 साल का होगा, 10 साल का होगा ना सर। हमारा प्लानिंग कैसा होगा सर, कल तो आगे हम जो चल रहे हैं, कम से कम हमारी प्लानिंग तो इतनी पारदर्शी होना चाहिए जिसे हम सबके सामने रख सकें। मैं वही बोल रहा हूँ ना सर, तो रखने से पहले यदि वो प्लानिंग हमारी उसमें कुछ दुष्टता है तो सर नहीं ये वापस आप ऐड कर रहे हैं ना सर, दुष्टता कहाँ से आ गई इसमें? अगर मैं आपसे कोई बात डिस्कस कर रहा हूँ, आप जो है ना जैसे किसी चीज को यदि पब्लिकली नहीं कह पा रहे हैं सर, उसमें दुष्टता नहीं होती है चीज में, उसमें दुष्टता कहाँ से होगी सर? कोई चीज जो एक कोर टीम डिसाइड करेगी, दूसरी चीज दूसरा डिसाइड करेगा, वो जो आपका वेबसाइट बनाने वाला है उसके साथ में आप थोड़ी ना सारी चीज डिस्कस कर पाएंगे। आप उसको मटेरियल देंगे, उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, मटेरियल को प्रॉपरली पब्लिश करें, वो थोड़ी डिसाइड करेगा साथ में बैठकर कि क्या मटेरियल होना चाहिए और क्या नहीं। कैसे चलेगा सर ये मुझे बताइए आप। मैं तो ये चाहता हूँ कि वो मटेरियल भी बनाए और मटेरियल को पब्लिश। नहीं हो सकेगा सर, फेल हो जाएंगे हम, बिल्कुल फेल हो जाएंगे सर हम बुरी तरह। क्यों फेल हो जाएंगे यदि उसमें हो जाएंगे सर? हो जाएंगे मेरे सर, मैं आपके प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सेंसिटिव हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपने वो बहुत अच्छा विजन सोचा है। अब उस विजन को एग्जीक्यूट करने का कुछ आप सही टीम बनाइए सर ऊपर की, तो इसको प्रॉपरली, इसलिए मुझे आपसे मिलना है। अगर आपका मेरा विचार समझ में आता है सर आपको, ठीक है कि नहीं, विक्रम मोदी बरोबर बोल रहे हैं, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं समझ में आता तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे सर, तो बात तो वहीं खत्म हो जाएगी। नहीं लेकिन हमारा ये कहना है कि हम जो पूरा सर दीजिए सर, अगर हमारी बातें मिलेंगी तो हम पब्लिकली रख लेंगे उसको, ठीक है ना। अगर हमारी बातें नहीं मिलेंगी तो सर बातें रखने का कोई मतलब ही नहीं है सर। नहीं लेकिन इसका दूसरा मतलब है कि मान लो विक्रम मोदी जी के से कंजोशंस नहीं बैठ रहा है और वो बातें यदि ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड हैं, तो देर में भी समबडी सम अदर मोदी हु विल कम फॉरवर्ड के अरे आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, विक्रम जी को छोड़िए मैं आपसे जुड़ता हूँ, ठीक है। तो वो एनर्जी तो हमारी काम आ गई ना। अदरवाइज जब आपसे आपने कहा कि नहीं भाई हमारा और आपका रास्ता अलग अलग है, तो हमने आपके साथ जितना भी समय व्यस्त किया वो हमारे लिए तो बेकार हो गया। और यदि वो एनर्जी के फॉर्मेट में यदि स्पेस में एग्जिस्ट करेगा तो देर विल बी सम अदर टेकर। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो मैथिली क्षण गुप्त नहीं कर रहे हैं ना, सोच रहे हैं मेरे ऊपर किसी कॉस्मिक पावर का टेक ओवर। जस्ट ए मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि कोई कॉस्मिक पावर मुझे फोर्स कर रहा है। सर मैं समझ गया, मैं आपकी ये बात सुन चुका हूँ। मेरा आपसे निवेदन सिर्फ इतना है सर, बहुत सिंपल निवेदन है मेरा, मैं बहुत कोई कॉम्प्लिकेशन में जाना नहीं चाहता। मैं एक अच्छा विचार है उसको स्ट्रांगली पुटअप करना है जिससे कि पूरा भारत जुड़ जाए। नहीं सिंपल बात है, अब अपन जरा थोड़ा सा उल्टे कर लें कि मतलब अपन इसको इस ढंग से कहें कि आपकी जो सोच है या आपका जो तरीका है या मेरा जो तरीका है और हम लोग जो है मत एक नहीं हो पाते, हम लोगों की एक बात हम कहीं पे एग्री नहीं कर पाते, चलो ये मान लेते हैं राइट। तो जो टाइम हम ज्वाइंट डिस्कशन में डिस्कस करेंगे दैट विल गो वेस्ट। नहीं मैं कैसे वेस्ट जाएगा सर, ये आपने कैसे डिसाइड कर लिया? मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि यदि वो मत एक नहीं होता है तो सर जब दो विद्वान बैठते हैं और अगर उनका मन मतभेद होता है, ठीक है,
उनके विचार नहीं मिलते हैं तब भी उसमें से कुछ चीजें निकल के आती है लाइफ में, ठीक है, उससे सीखने ही मिलता है जीवन में। जैसे मुझे आपसे कुछ सीखने मिलेगा, हो सकता है मेरे दो शब्द से आपको कुछ सीखने मिल जाए, ठीक है, पक्का मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। चीजें कभी भी सर, चीजें कभी भी वेस्ट नहीं जाती लाइफ में। मैं छोटे से छोटे इंसान को भी समय देता हूँ, पूरी श्रद्धा से देता हूँ, और फिर बाद में उसमें से जो बेस्ट चीज लेनी है वो लेने की कोशिश करता हूँ, या उसके लेवल की जो बेस्ट चीज उसको पहुंचानी है सर वो पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक चीज और रखूंगा आपके सामने, एक चीज और रखूं क्या मैं? जी सर, मेरा ये कहना है कि हम और आप जो भी वार्तालाप कर रहे हैं एक एनर्जी है, ठीक है ना, और ये एनर्जी क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ सम कॉस्मिक कंपल्शंस, राइट। हमारा मानना यह है कि कॉस्मोस का जो प्रक्रिया है वो ये होती है कि इट ट्राइज टू गिव, जो उसको पात्र लोग लगते हैं उनको पहले मौका देती है वो, एंड इफ दैट उस पात्र व्यक्ति ने यदि उस सेंसर को ग्रहण नहीं किया तो देन दैट एनर्जी विल गो समवेयर एल्स, बट इट विल मेक इट श्योर कि इट विल मैनिफेस्ट ऑन द ग्राउंड, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी को मैनिफेस्ट होने से रोकना किसी के सामर्थ्य में नहीं है। सर एक कांड हुआ हमारे भारत के साथ ना, चलिए मैं बहुत लंबा नहीं जा रहा हूँ ना, ठीक है, मैं बात जा रहा हूँ नेहरू तक की, ठीक है, और नेहरू प्रधानमंत्री बन गया देश का, तो वो क्या वो हिस्सा है, वो तो अंग्रेजों की चाल का हिस्सा है जिसमें गांधी जी ने उनका साथ दिया है। विक्रम जी मैं आपसे कह रहा हूँ, यदि महाचरित्र का व्यक्ति जो है जिसको आपने राष्ट्रपिता और महात्मा कहा है, वो उसका चरित्र कैसा है कि जिसको जीरो वेट मिला है उसको वो बना देता है क्योंकि उसमें अंग्रेजियत है, जिन अंग्रेजों से आप पीछा छोड़ रहे हैं आप ही की बात को, सर आप ही की बात के सामने अंग्रेजियत, अंग्रेजियत आपका आभूषण कैसे हो सकता है? सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, अभी आपने कहा कि सब कुछ कॉस्मोस डिसाइड करता है, ठीक है, और उसको वो चीज धरातल पे लाता है, करेक्ट। तो क्या क्या नेहरू भी कॉस्मोस ने डिसाइड किया? क्या क्या लाखों लोगों का जो पार्टीशन में जान गई, इज्जत लूटी गई, औरतों की बच्चों को काट दिया गया, क्या वो भी कॉस्मोस ने ही डिसाइड किया? ये सोचकर हम छोड़ते हैं उस चीज को? हो सकता है नहीं, हाँ मतलब माने तो ऐसा नहीं, तो हम इसको जस्ट मिनट, मैं ये कह रहा हूँ जी सर कि यदि ये चीजें डिफरेंटली मैनिफेस्ट हो जाती है तो हकीकत दूसरी हो जाती है, राइट। चूंकि सर इसके ऊपर सर इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे सर, मैं आपसे आकर मिलूंगा इस विषय पे, हम लोग को बहुत बातें करनी है, ओके, मैं आपको बिल्कुल आके सर मिलना है मुझे, एक मिनट सर, दिल्ली से फोन आ रहा है, मैं करूँ फोन आपको? हाँ, जरूर जरूर जरूर, लेकिन मैं एक चीज आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि मैं ऑफ रिकॉर्ड